पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना महामारी के कारण करीब 6 महीने से बंद चल रहे स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इसकी घोषणा की है। पहले चरण में 9वीं और 12वीं तक के स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे और 2 पालियों में क्लास चलेंगी। देखिए किन किन शर्तों के साथ 19 अक्टूबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया ही बदल गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में रहन सहन से लेकर पढ़ाई और नौकरी का तरीका भी बदल गया है। हालांकि लॉकडाउन के बाद जारी अनलॉक प्रक्रिया के तहत करीब 8 महीने बाद यूपी में स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। 19 अक्टूबर से जब 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे तो सब कुछ बदला बदला सा रहेगा। अब जहां 2 पालियों में स्कूलों को खोला जाएगा, वहीं कम अटेंडेंस का असर भी छात्रों के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब अभिभावक यह तय कर सकेंगे कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजकर पढ़ाएं या फिर ऑनलाइन। मतलब ये है कि स्कूल खुलने के बाद अब छात्रों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी होगी, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेंगी। इतना ही नहीं, पहले जहां छात्र एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, अब वे 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। सभी छात्रों को एक साथ स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। पहले दिन 50% छात्र आएंगे, बाकी के 50% दूसरे दिन। छुट्टी के वक्त एक साथ छात्र बाहर नहीं निकल सकेंगे, उन्हें एक एक कर छोड़ा जाएगा। पहले की तरह कुछ भी नहीं होगा। दो पालियों में चलेंगी कक्षाएं। सूबे के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 9 से 12वीं कक्षाओं तक के स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे। उनके अनुसार विद्यालय 2 पालियों में संचालित किए जाएंगे, जिसके तहत पहली पाली में कक्षा 9वीं और 10वीं और दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी। हालांकि सुरक्षित दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। बुखार जुकाम हुआ तो उपचार के बाद जाएंगे घर। सरकार ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बुखार जुकाम और खांसी है, उन्हें गेट पर ही चिन्हित किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को अलग कमरे में बिठाया जाएगा। हर स्कूल में एक अलग आइसोलेशन रूम होगा। यहाँ पर उन्हें जरूरी प्राथमिक उपचार दिया जाएगा और फिर घर वापस कर दिया जाएगा। सभी स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। वैन बस से स्कूल आ सकेंगे विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल वैन या बस से आते हैं, उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर स्कूल आने की छूट होगी। वाहनों को प्रतिदिन सैनिटाइज कराया जाएगा। वाहन में विद्यार्थी 2 गज की शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करेंगे। अगर उसका उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी और निजी स्कूलों के वो विद्यार्थी जिनके पास ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ने के लिए संसाधन नहीं है, उन्हें प्राथमिकता पर स्कूल बुलाया जाएगा। खासकर सरकारी स्कूलों में कई विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन आदि नहीं है, ऐसे में उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।